करना है डबल डिस्टिल्ड वाटर डाल के। फर्स्ट रेफरेंस लेंगे वाटर जी, ठीक है। जैसे रैम रोम जब ये सारे मतलब ग्रीन होने का मतलब है कि ये सारे वर्किंग चल रहे हैं, जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट ऑन किया ऑटोमेटिकली ये सारे अपने आप होने लग जाएंगे, आपने कुछ नहीं करना है। फिर जैसे ही एक बार ये बेस लाइन तक पहुंच जाएगा कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे ग्रीन है पास्ट, हाँ ठीक है, ये टेस्ट कर रहा है इसको, हो रहा है ठीक है। फिर जब ये टेस्ट हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने अपनी प्रोसेस शुरू करनी है, इसको करने देना, इसको होने। अब आपने ये देखना मैं आपने इसको डाल दिया, इसमें एक ही वो है डालने के लिए, जगह भी एक ही है, ठीक है, डाल दिया ना, जहाँ से हमारे फिंगर लगे हैं वो मैंने ऐसे रख दिया डायरेक्टली। अच्छा ठीक है, तो लाइट इस तरफ से आ रही है, ठीक है, ठीक है। पॉज पे क्लिक किया एक बार, ओके, उसके बाद इसको ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, स्टार्ट किया मतलब कि इसका फ्लोरोसेंस वाटर का, ठीक है। आपने इसके सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पे गए ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ना जो इंटेंसिटी है वो 0 से 50 दिखाई दे रही है, 0 से 50 दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, पैरामीटर्स में गए, ठीक है, पैरामीटर्स में जाके इसका जो ये 50 आ रहा है ना, आपने इसको 1000 तक 999 तक कर देना है, 999 मतलब 1000 तक इंटेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है एक्साइटेशन वेवलेंथ एमिशन, जो आपने मैं बोल रही थी ना एक्साइटेशन एमिशन, ये वो आएगा। अभी आपने बाकी चीज़ें ऐसे छोड़ दो, इसको यहाँ पे कर दो। स्लिट विड्थ है जो सर्कल बोल रहे थे ना 5x5, हाँ ये वो है 5, एक्साइटेशन की 5, एमिशन की 5, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जैसे 5x10, 10x, पर ये होता है कि एक जब आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है उसमें सेम होनी चाहिए सारे में। अच्छा ठीक है, ये बदलनी, जैसे ऐसे नहीं कि एक रीडिंग ली अगली रीडिंग के लिए ये चेंज कर दी, ठीक है, सभी रीडिंग्स के लिए सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद ये स्कैनिंग स्पीड सुपर है ना, इसको आपने चल जाना है मीडियम में, मीडियम ठीक है, मीडियम को उस पर सेट करना है। आपने इसको 999 पे किया, इसको अब तक हमने चेंज नहीं करना है क्योंकि अभी हमने वाटर सैंपल को ले रहे हैं, अभी हमें इसका कोई ले रहे हैं, ओके कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से देखो ये हो रहा है दोबारा से, हाँ इसकी ये जो आपको उस टाइम वो पीक दिख रही थी ना बड़ी सी, हाँ। अब 1000 पे करने से वो डाउन आ गई है, बिल्कुल छोटी दिख, हाँ तो अब पहले वो 50 पे सेट था इसलिए, हाँ तो मतलब आपका ना जो वाटर है ना उसमें भी इतनी सी वो आ रही है, पीक आ रही है, यहाँ हल्की सी एमिशन इसकी भी शो हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ चलो ये ज़ीरो हो जाती है बाद में, इसका नहीं पड़ता फर्क करके, पहली चीज़ नहीं है, इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। आपने 1000 वाला लिया है ना, हाँ मैंने 1000 बड़ी वाली ली है, 1000 वाली, 1 ml में पूरे डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें एक्चुअली मैक्सिमम 3 ml तक आ जाता है, ठीक है। तो अगर इस वाले क्यूबिट से अगर आपको करना है ना तो आपको मैक्सिमम 2-2.5 ml डालना पड़ेगा इसमें, तभी हम लोग इससे नहीं करते क्योंकि इसमें सैंपल ज़्यादा यूज़ होता है, हम छोटी वाली से करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा सैंपल लग गया ना, हाँ जिसके पास कम होगा बना हुआ वो कैसे इतना इतना डालेगा, ये फ़र्क है ना। अभी तो चलो आप टेस्टिंग कर रहे हो, अभी तो कर ना, तो आपको एटलीस्ट इतना एम एल तो डालना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे इससे थोड़ा सा कम ले सकते हो क्योंकि वो लाइट यहाँ जैसे से पास होती है लाइट, हाँ, तो उससे ऊपर लेवल, उससे ऊपर ही होना चाहिए, हाँ ठीक है। और इसको आराम से बंद कर दिए ऊपर से, अब आपने उस पर जाना पैरामीटर्स में, यहाँ पर एमिशन पे क्यों है ना, आप इसको एक्साइटेशन पे करो, ठीक है। तो एक्साइटेशन वेवलेंथ रेंज 220 से 770, ठीक है, एमिशन वेवलेंथ, एमिशन कहाँ पर है, रिकॉर्डिंग रेंज ये है, मीडियम है ये है, चलो देख लेते हैं एक्साइटेशन किसने भी एक्साइट हो रहा है, एक्साइटेशन वेवलेंथ रेंज, एमिशन वेवलेंथ रेंज 400 nm, एमिशन का आप ज़्यादा ले लो, हमें क्या पता 500 तक भी हो सकता है, ठीक है। ना स्टार्ट कर देना, देखते हैं क्या आगे फ्लोरोसेंस में स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, मैं स्पीड चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपने कुछ चेंज करना है बीच में तो पहले स्टॉप किया, स्पीड ना थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, फास्ट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। फिर आपने ये वैल्यू ना जो यहाँ से शुरू हो रही है ना, ये 0 से शुरू होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट में इसमें भी एरर आ गया हुआ है, ये क्या गड़बड़ में जा रखी है। हम इसका एक्साइटेशन देख रहे हैं कहाँ पे आ रहा है,
ये आया इसलिए इवेंट। कितना अच्छा लग रहा है ना, चलता हुआ एक्साइटेशन दो तीन जा रहे हैं इसमें। स्पेक्ट्रम बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं रही है, पूरा काम यार कैसे काम करना है। ठीक है, एक्साइटेशन हमने 360 रख दिया ना, 365 थी ना आपकी, आपने 10 नैनोमीटर से पीछे से स्टार्ट करना है स्पेक्ट्रा लेना। अच्छा ठीक है, जैसे 360 पे किया ना, 350 पे आपने सेट किया, ऑलमोस्ट इसको 800-700 नैनोमीटर तक कर दो एमिशन। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, ये सारा कुछ ठीक है। ओके, एमिशन कहाँ आती है, 360 पे एक्साइट भी होता है कि नहीं होता। चल तो रहा है यहाँ, कुछ ब्लू ब्लू दिखा, चल रहा है ब्लू कहाँ है, माइनस में है सारा ही, तभी यहाँ नहीं आ रहा, जीरो से नीचे है। ये चल रहा है ब्लू, मतलब इस पे बिल्कुल भी नहीं है, इस रेंज में बिल्कुल भी वो नहीं है इसकी। तो 525 से भी ज़्यादा आगे चला गया, 360 अब देखो ना ऐसे चेक कैसे करना है, 360 पे कर लिया ना, 360 में, अब 365 पे करो। अच्छा ठीक है, इसको 800 तक करना। ओके स्टार्ट, आपको ऐसे 10-10 मिनट नैनोमीटर का आगे आगे ले लेके देखना पड़ेगा कि कौन सी वेवलेंथ पे ये एक्साइट हो रहा है। ठीक, जिस पे एक्साइट हो गया उस पे पीक आ जाएगी। तो अभी तक तो कुछ नहीं लिखा,